हेलो दोस्तों, मैं हूं श्वेता और आप सभी का मेरे किचन में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूं इडली ढोकला। तो चलिए हमारे इस इडली ढोकला बनाने की तैयारी करते हैं। यहां पर मैंने लिया है थोड़ी सी शक्कर, आधा कटोरी सूजी, सैट्रिक एसिड 1 से 2 चम्मच, सोडा, नमक और आधा कटोरी तेल। यहाँ पर मैंने 1 गिलास पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। हमें ये पानी थोड़ा ही गुनगुना गर्म कर लेना है। इसमें से मैं 1-2 चम्मच थोड़ा गुनगुना पानी कटोरी में निकाल लूँगी। इस कटोरी में हमें आधा चम्मच सोडा मिक्स करना है और इस सोडे के पानी को हम थोड़ा सा अलग रख देंगे। यहाँ पर मैंने इडली का बर्तन दिया है जिसमें मैंने नींबू कट करके डाल दिए हैं। नींबू के टुकड़े डालने से हमारा जो जर्मन का बर्तन है वो काला नहीं पड़ता। अब जो मैंने पानी यहाँ पे गुनगुना गर्म किया था वो मैं इस बर्तन में डाल दूंगी। 2 से 2.5 चम्मच मैं यहाँ शक्कर डालूंगी। यहाँ पर मैंने आधा चम्मच सैट्रिक एसिड लिया हुआ है, नमक स्वाद के अनुसार और ये आधी कटोरी सूजी और जो ये आधी कटोरी तेल था वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सूजी का कोई भी गठान यहाँ पे ना बने। यहाँ पे मैंने 1 बड़े कटोरी बेसन ली हुई है। बेसन मैंने यहाँ पे इतना ज़्यादा इसलिए लिया है क्योंकि हमारे पानी में जितना बेसन मिक्स होगा हमें उसमें ऐड करते जाना है। तो यहाँ मैं थोड़ा थोड़ा बेसन इसमें डालते जाऊँगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि इसमें कोई भी गठाने ना रहे और ना ही लम्स पड़े। आप देख सकते हैं मेरा ये जो जितना बेसन था वो इसमें ऐड हो रहा है। मैंने इसमें पूरा बेसन डाल दिया है। मेरा ये बेसन 200 ग्राम के मतलब 1 पाव के बराबर ही बेसन था। तो 1 गिलास पानी में आपका 1 पाव इतना बेसन ऐड हो जाएगा। ये देखिए बिल्कुल सही है। इस प्रकार से आप बेसन का एक बैटर तैयार कर लीजिए। अब यहाँ हमने इडली का साँचा लिया हुआ है। हम इन सभी साँचों में अच्छे तरह से तेल लगा लेंगे और ये जो हमारा सोडे का पानी था अब ये लास्ट में जाएगा। जैसे हम इस सोडे के पानी को डालेंगे हमें तुरंत ही इसे मिक्स करना है। आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने सोडे का पानी डाला जो हमारा इडली ढोकला का बैटर था वो 2 गुना बढ़ गया है। तो हमें तुरंत ही इसे फटाफट हमारे इडली के साँचों में डाल लेना है। और जब तक मैं यहाँ साँचों में बैटर डाल रही हूँ हमारा पानी भी गर्म हो चुका है तो हम तुरंत ही इन साँचों को इडली के बर्तन में रख देंगे। दोस्तों 10 मिनट में ही हमारा इडली ढोकला बनके तैयार हो जाएगा। तो जहाँ मैं अपने इडली ढोकला को बकने के लिए रख रही हूँ वहीं मैं इसके तड़के की तैयारी भी कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने एक बर्तन पे 2 से 2.5 चम्मच तेल लिया हुआ है। तो तड़के के लिए मुझे लगने वाला है हरा धनिया, 4 से 5 हरी मिर्ची, कड़ी पत्ता, जीरा राई, थोड़ा नमक और शक्कर। यहाँ पर मेरा तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है तो अब इसमें मैं डाल दूंगी जीरा राई, हरी मिर्च, कड़ी पत्ता और थोड़ी सी धनिया पत्ती। जब ये अच्छे से तड़का आ जाए तो हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी और उसके बाद नमक और शक्कर और ये हमारा तड़का बनके तैयार हो गया है। और इधर हमारा इडली ढोकला भी बन गया है। वाव, आप देख सकते हैं दोस्तों हमारा इडली ढोकला बहुत ही अच्छी तरह से फूल गया है, बिल्कुल स्पंजी। आप देख सकते हैं दोस्तों ये हमारा जो इडली ढोकला है वो दिखने में बहुत ही सुंदर दिख रहा है। ये हर तरफ से फूल गया है। अब हम इसमें तड़का दे देंगे। दोस्तों इडली ढोकला बनाना बहुत ही आसान है, ये कम समय में बनके तैयार हो जाता है। दोस्तों अगर आप मेरी इस ट्रिक से ढोकला बनाएंगे तो आपका ढोकला जल्दी ही बनके तैयार हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल भी ना भूलिए।